मकर संक्रांति के मौके पर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी बधाई। मकर संक्रांति पर लालू यादव ने पार्टी नेताओं को दिया आदेश, गरीबों को दही चूड़ा खिलाने की कही बात। ठंड और कुहासे के आगोश में बिहार दिन का औसतन तापमान रहा 8 डिग्री, तो वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री देखा गया। रांची में दारेश शरिया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर दिया मांग पत्र। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से अपनी समस्या भी बताई। 16 जनवरी को शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर रांची के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने तैयारियों का लिया जायजा, वहीं दिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। बिल्कुल तैयारी सूचित अभी फाइनल नहीं हुआ कि पहला लोग कौन होगा, लेकिन हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसा हम लोगों को डायरेक्शन मिला कि सैनिटेशन वर्कर है तो ज्यादा अच्छा। लातेहार सदर प्रखंड के ग्राम गुरगु में राष्ट्रीय जनता दल ने मकर संक्रांति के मौके पर बैठक का किया गया आयोजन, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ नेता फूलचंद यादव ने की। रांची में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का किया गया आयोजन, इस दौरान विधायक सीपी सिंह भी रहे मौजूद। जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय ने मनाई मकर संक्रांति। इस दौरान पर्व के मौके पर लोगों ने अपने घरों पर रंग से सुंदर डिजाइन भी बनाया। नालंदा में बर्थडे पार्टी के दौरान शराब और हुक्का पीते वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। इस दौरान पुलिस ने मौके से 3 युवकों को धर दबोचा। सरायकेला के बड़बिल गांव के पास अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई बाइक, चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। फिलहाल घायल को बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर किया गया है। सरायकेला में अवैध बालू का परिवहन करते 3 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त, वहीं खनन विभाग के पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश। मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सरायकेला के स्थानीय शमशान काली मंदिर प्रांगण में ठाकुर मांझी की अध्यक्षता में ट्रैक्टर एसोसिएशन की हुई विशेष बैठक, इस दौरान कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लातेहार जिले के मणिका प्रखंड में KDM स्कूल सिंजो के प्रांगण में राम मंदिर भूमि ट्रस्ट समिति के मणिका प्रखंड के संयोजक दिनेश प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। इस दौरान बैठक में बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे मौजूद। सरायकेला कीचागढ़ मार्ग स्थित मिरुडीह के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। इस दौरान सड़क दुर्घटना में बाइक में लगी आग, वहीं बाइक सवार की जलकर हुई दर्दनाक मौत। कैमूर जिले में ठंड का कहर, कुहासे के कारण गाड़ियों के परिचालन में हो रही दिक्कतें, वहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का लिया सहारा। सरायकेला में महिला की प्रताड़ना से तंग आकर फेरी वाले ने की खुदकुशी, बताया गया कि महिला लोन दिलाकर रिकवरी के नाम पर लगातार मृतक को कर रही थी प्रताड़ित।